नमस्कार सभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका बहनों का स्वागत है आज की एक और बेहद और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पूरे बिहार में जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसको 8 जून तक बंद रखे जाने का आदेश प्राप्त हो चुका है आप सभी को, और हमने उस लेटर में आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो 30 मई से लेकर 8 जून तक आंगनबाड़ी केंद्र को बंद रखा जाएगा, और बंद रखे जाने के दौरान आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का क्या कार्य दायित्व रहेगा। हमने आप लोगों को बताया था कि उस लेटर में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, तो उसी को लेकर एक नया लेटर आप लोगों के लिए जारी कर दिया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहने के दौरान आप लोगों का कार्य दायित्व क्या रहेगा। आइए उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, बिहार सरकार ICDS निदेशालय की तरफ से एक नया पत्र जारी कर दिया गया है। इस लेटर का जो दिनांक है आप लोग देख पाएंगे 30/5/2024 को ये लेटर जारी किया गया है, और जो आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे जाने का जो निर्देश है वो 29/5/2024 को जारी किया गया था। इस लेटर का जो संचिका संख्या है 3416, और इस लेटर को जारी करने वाले हैं निदेशक ICDS और सभी जिला पदाधिकारी को ये लेटर जारी किया गया है। यानी कि बिहार के जितने भी DM हैं उन सभी DM को ये लेटर भेजा गया है, और लेटर भेजने का जो कारण है उसको आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। देखिए, लिखा गया है पोषाहार वितरण के संबंध में। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जब भी आंगनबाड़ी केंद्र बंद होता है तो पोषाहार और THR वितरण के संबंध में अलग से एक लेटर जारी किया जाता है, जिसमें कि आप लोगों को सूचना दी जाती है कि जो आप लोगों को ICDS का रूल है, यानी 300 दिनों तक जो आंगनबाड़ी केंद्र पे पोषाहार वितरण करने का जो रूल है उसको पालन जरूर करना है, भले ही आप लोगों का आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहे। देखिए, यहाँ पर प्रसंग में आप लोगों को बताया गया है निदेशालय का पत्रांक, जो पिछला लेटर आया था 3385 दिनांक 29/5/2024 को, जिसमें कि आप लोगों को सिर्फ आदेश दिया गया था कि आप लोगों का जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो 8 जून तक बंद रहेंगे। चलिए, इसके रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है कि आप लोगों को आंगनबाड़ी केंद्र को बंद रखे जाने के दौरान क्या क्या भूमिका निभानी है, क्या कार्य दायित्व रहेगा, इस लेटर को आप लोग ध्यान से देखिएगा। लिखा गया है महाशय, उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के द्वारा लू एवं भीषण गर्मी के बचाव हेतु राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन दिनांक 8/6/2024 तक स्थगित किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार वर्ष में 300 दिन आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार वितरण करना बाध्यकारी है। यानी कि आप लोगों का जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो बंद रहने के बावजूद भी जो पोषाहार वितरण करना है वो 300 दिनों तक साल में पोषाहार वितरण किया जाता है, वो काम आप लोगों का नहीं रुकेगा। अतः समयक विचारोपरांत दिनांक 8/6/2024 तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति नहीं होगी, किंतु सेविका सहायिका केंद्र पर उपस्थित रहकर अन्य सभी गतिविधियों को संचालन करते हुए गृह भ्रमण के माध्यम से THR एवं खाद्य सामग्री लाभुकों के बीच वितरण करना सुनिश्चित किया जाए। देखिए, यहाँ पे आप लोगों के लिए निर्देश आ चुका है कि देखिए, आपका जो 8 जून तक आंगनबाड़ी केंद्र बंद है तो बंद सिर्फ किसके लिए है, यानी बच्चों के लिए है, जो पढ़ाई है वो बंद रहेगा, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को उपस्थित रहना है, और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहने के दौरान जो आंगनबाड़ी केंद्र की गतिविधियाँ हैं उन सभी को आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को करना है। और जहाँ तक बात है पोषाहार वितरण के संबंध में, तो आप लोगों को गृह भ्रमण करके जो भी लाभुक हैं उनको THR और खाद्य सामग्री जो होती है उसको वितरण करने का आदेश दिया गया है। यानी कि घर घर जाकर आप लोगों को जो खाद्य सामग्री है वो वितरण करनी है, और सभी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को आंगनबाड़ी केंद्र पे उपस्थित रहना है। तो जैसा कि आप लोग अपने आसपास के सरकारी स्कूल, मिडिल स्कूल में भी देख पा रहे होंगे कि वहाँ पे भी जो टीचर लोग हैं वो लोग आके अपना ड्यूटी निभा के जा रहे होंगे, ठीक उसी प्रकार आप लोगों को भी अपने आंगनबाड़ी केंद्र पे उपस्थित रहना है, सेविका और सहायिका दोनों को, और सिर्फ बच्चों को वहाँ पर नहीं बुलाना है, बाकी जो आंगनबाड़ी केंद्र का जो गतिविधि है वो गतिविधि करते हुए केंद्र पे उपस्थित रहना है। तो इस प्रकार से आप लोगों के लिए यहाँ पे जो ICDS की तरफ से जो दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहने के बावजूद आप लोगों का कार्य दायित्व क्या रहने वाला है। साथ ही साथ पोषण ट्रैकर ऐप पर आप लोगों का अटेंडेंस लगेगा या नहीं लगेगा, इसके रिलेटेड मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसकी जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से आपको पोषण ट्रैकर ऐप पर भी काम करना है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, साथ ही अपने आंगनबाड़ी सेविका बहनों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।